उन लोगों की हैं जो बहुत नीड के वर्ज एथ पे बैठे हुए हैं, और इनमें से कब कौन डिप्रेशन में आ जाएगा, कब कौन सुसाइड कर लेगा, हमको नहीं पता। तो एक एक फाइल पे एक एक दिन का डिले एक व्यक्ति को एक दिन के सुसाइड के करीब ले जा रहा है। कल कौन लड़की इस बात पे सुसाइड कर लेगी कि उसके स्कूल की कॉलेज की फीस नहीं दी गई। कोशिश करिए कि 24 घंटे में आप क्लेम की फाइलें यहाँ से प्रोसेस करके डीएस में पहुँचा दें। 24 घंटे में डीएस साहब की जिम्मेदारी हो, 48 घंटे में इस दफ्तर में एप्लीकेशन होने के बाद में क्लेम निकल जाए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को दिल्ली के निर्माण श्रमिकों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने कहा कि निर्माण श्रमिकों को पंजीयन और नवीनीकरण के लिए किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा अब 1076 पर फोन करके दिल्ली सरकार की डोरस्टेप सर्विस के जरिए वह घर बैठे ही उनका पूरा काम कर दिया करेंगे। मनीष सिसोदिया ने इसे दिल्ली में सुशासन का अनोखा प्रयोग बताते हुए कहा कि निर्माण श्रमिकों को सभी योजनाओं का लाभ देने की प्राथमिकता है। आपको बता दें, दिल्ली सचिवालय में पत्रकार वार्ता के दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा कि कंस्ट्रक्शन कंपनियों से निर्माण श्रमिक कल्याण सेस मिलता है। निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से इस राशि का उपयोग श्रमिकों की भलाई के लिए होता है। इसके लिए बोर्ड ने इन श्रमिकों का पंजीयन जरूरी किया है। मनीष सिसोदिया ने आगे कहा कि पिछले दिनों जिला श्रम कार्यालय के दौरों में मजदूरों को लाइनों में परेशान देखने के बाद उन्होंने एक कदम उठाया है। मनीष सिसोदिया ने आगे कहा कि पंजीयन और नवीकरण की प्रक्रिया की जटिलता के कारण बिचौलियों द्वारा श्रमिकों का फॉर्म भरने के नाम पर 1 से 2 हजार रुपए तक की अवैध वसूली की जाती थी। निर्माण श्रमिकों को कई दिनों तक लेबर ऑफिस जाकर घंटों लाइन में लगना पड़ता था, इससे उनका काम भी प्रभावित होता था। आवेदन के बाद वेरिफिकेशन के लिए भी लेबर ऑफिस जाते थे। इसके बाद सिसोदिया ने कहा कि अब निर्माण श्रमिकों को 1076 नंबर पर फोन करना होगा। डोरस्टेप डिलीवरी टीम का एक सदस्य उनके घर जाकर दस्तावेज लेकर फॉर्म भर देगा, साथ ही उन दस्तावेजों और श्रमिकों की फोटो को ऑनलाइन अपलोड कर देगा। आवेदन को ऑनलाइन स्वीकृति मिलने के बाद वे अपना प्रमाण पत्र इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, अन्यथा 4-5 दिन में घर में भेज दिया जाएगा। मनीष सिसोदिया ने इन श्रमिकों को मिलने वाली सुविधाओं का ब्यौरा भी किया। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए।